और गोपी ने कहा, जोगी बाबा आप ज्योतिषी हो क्या, कुछ जानते हो नाम वाम रखना? तो बोले हाँ हाँ, हम तो भूत भविष्य जानते हैं और हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो वो गोपी उन्हें अपने साथ नंदरायन के घर ले गई और वहां जैसे नंदरायन ने उनको देखा कि ये सर्प लटका के और ये अंग भभूत लगा के बागंबर बांध के ये तो बड़ा रौद्र रूप धारण करके कोई ज्योतिषी आया है। तो वो गोपी से बोली, और कोई आपको नजर नहीं आया? अब तो वहां पे भगवान ने जो है, शिव भगवान ने अपनी धुनी रमा दी, त्रिशूल गाड़ दिया, जड़ होके बैठ गए कि लाला को हमें दर्शन कराओ। यशोदा मैया बाहर आई, दक्षिणा देने लगी, कुछ पदार्थ देने लगी, बोली कि ये ले लो और यहां से चले जाओ, ये देखो सर्प लटक रहा है, ये लटक रहा, लाला देख लेगा, बहुत भय खा जाएगा, बुखार आ जाएगा लाला को, आप यहां से जाओ। तो वो जो माता ने उन्हें पदार्थ दिए वो उन्हें लौटाने लगे शिव, और शिव जब पदार्थ लौटा रहे हैं तो यशोदा मैया को लग रहा है मैंने कुछ कम पदार्थ दिए हैं। तो बोले कुछ और दे दूं, ज्यादा दे दूं आपको? भगवान बोले, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लला का दर्शन करा दो मैया, मैं दर्शन को आया। यशोदा हमारी मैया बोले, जानो हो तो जा, रहनो रह, मैं तो दर्शन करवाए वाली ना। अब जब तक शिव इधर उधर निवेदन कर रहे हैं तो काम बन नहीं रहा है। जो नियम आपके लिए है वो उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव के लिए भी है। फिर शिव जब निराश्रित होके एक आश्रय लिया और भगवान से ही निवेदन किया कि प्रभु अब आपके दर्शन नहीं हो रहे, आप ही करो कृपा। तो जैसे ही एक भक्त की अपने भगवान के पास ये निवेदन पहुंचा, तत्क्षण गोपाल ने रुदन शुरू कर दिया, रोने लग गए बड़ी जोर जोर से। मैया बोली, अरे नजर लग गई जाए कोई की? तो मैया बोली, ये सब नजर लगा दे मैं जे आ मैं कहें गोपी। गोपी बोली, सबसे पहले नजर मैया ही की लगे, तुम्हारी लग गई है, लाला बहुत रो रहे हो। यशोदा मैया बड़ा चिंतन होने लगे कि अब क्या किया जाए, कैसे लाला को शांत करें। तो वो गोपी से बोले, तू बाहर जाके पूछ के आ, जी कछु भूत भूत भजानो डाले, नजर उतारनो जाने का। गोपी गई, क्यों बाबा तू पे जे आवे? भूत बोले, बाबा बोले कमाल है, भूतों की तो महासिद्धि है, भूतनाथ तो हमारा नाम ही है। भूत भविष्य कोई भी चीज हो, कैसा भी बड़े से बड़ा चांडाल भूत हो, कुछ भी हो, डोंट वरी बी हैप्पी, ले आओ उसको जल्दी। यशोदा मैया के पास गोपी भाग के गई, जी तो भूतन ने भगाने जाने। मैया लेके आई और जैसे ही भगवान को बाल रूप में अपनी गोद में लिया, मैया तो कपकपा रही है कहीं ये सर्प इसका कुछ अहित ना कर दे, लेकिन जैसे ही गोविंद शिव के गोद में गए एकदम शांत हो गए। जिस तरह माँ अपने बालक को देख के प्रसन्न हो जाती है, उसी तरह ईश्वर अपने प्रिय भक्त को देख के प्रसन्न हो जाता है। ब्रज की लीला सहज होने की लीला है कि जितना आप विनम्र हो जाते हो, सहज हो जाते हो, ईश्वर आपके पास लुढ़का चला आता है, फिसलता चला आता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका तप उसे खींच के ले आता है। कि उसने तो स्वयं घोषणा कर दी, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं, स्वयं ही घोषणा करके भगवान ने मां को कन्हैया को वापस दे दिया। मैया जाने लगी, सब बोले थोड़े रुक जाओ, पंचबेर परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो,
भगवान शिव ने माता यशोदा की 5 बार परिक्रमा की और अपना श्रृंगी बचाया। सूर्य श्याम बलिहारी कन्हैया जुग जुग जिए तिरो जायो। शिव उन्हें आशीर्वाद देके चले गए कि मैया आपका जो लाला है ये जुग जुग जिए, ऐसा सुंदर लाला ब्रज में पधारा है। और इधर जब पूतना आई तो पूत मतलब होता है पवित्र, और पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है, लेकिन पूतना का कोई तप तो है कि वो भगवान के पास पहुंच गई। यदि तो उसका कोई अपना तप ना होता, यदि तो अपनी कोई उसकी साधना ना हुई होती, यदि तो उसने कुछ प्राप्त ना कर लिया होता नारायण के लिए, तो वो उनके पास पहुंच तो नहीं सकती थी। वही बलि वाली बात कि बलि जो है ईश्वर का यजन कर रहा है, फिर ईश्वर उससे क्यों छीन लेना चाहता है सब। और आज पूतना अपने तप के बल पे नारायण के पास पहुंच रही है, लेकिन नारायण ने उसके प्राण छीन लिए, क्योंकि उसका उद्देश्य गलत है। वो साधना तो कर रही है, वो अनुष्ठान तो कर रही है, वो जप तप तो कर रही है, पर इच्छा उसमें ये है कि मेरा एक पड़ोसी भस्म हो जाए, मैं इसे मारूं। ऐसी साधनाएं लेके चल रही है, किसी के अहित की साधना, किसी को नीचा दिखाने की साधना, किसी के प्राण हरने की साधना। और कई बार जब आप मंदिर में जाते हैं, किसी सुंदर देव प्रतिमा को देखते हैं, या कई बार साधन के स्थलों पर तीर्थों में जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं, तो वहां कोई ऐसी चीज देख ही लेते हैं कि आपको काम उत्पन्न हो जाता है। किसी को ऐसी अवस्था में देख लिया कि आपको काम उत्पन्न हो गया। कई बार तो ईश्वर की सुंदर प्रतिमाएं देख के भी मन में काम भाव आ जाता है, और कई बार तीर्थों में, कहीं मंदिरों में, कहीं देव स्थान में, कहीं तपस्वियों की धुनी में, कहीं भी काम आपके साथ चलता है। क्योंकि जब अहिल्या और ऋषि स्वाहा स्वाहा जप कर रहे थे, और उस समय जब इंद्र आए वहां, तो अहिल्या के रूप को देख के इंद्र को काम उत्पन्न हो गया था। तो काम कभी भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन याद रखना, यदि जहां काम हृदय में आया, नारायण तो आंखें बंद कर लेगा। जैसे ही पूतना ने भगवान को गोद में लिया और उनकी सुंदरता को देख पूतना के हृदय में काम उत्पन्न हो गया, तो तत्क्षण नारायण ने आंखें बंद कर ली, भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब भगवान के मुख में जब पूतना ने स्तन दिया, तो भगवान उसके प्राण चूसने लगे, और जब प्राण चूस रहे हैं तो वो चिल्ला रही है, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़, छोड़ मुझे। भगवान बोले, जिसे मैं पकड़ लेता हूं उसे फिर छोड़ता नहीं।